नमस्कार, आज मैं थर्ड ईयर मैकेनिकल का सब्जेक्ट मैकेनिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग अर्थात ME309 का एक टॉपिक कॉस्ट एस्टिमेटिंग अर्थात लागत आकलन लेकर आया हूँ, जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। कॉस्ट एस्टिमेटिंग अर्थात लागत आकलन। कॉस्ट एस्टिमेटिंग को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो इस प्रकार कर सकते हैं कि किसी भी उत्पाद की उसके उत्पादन से पूर्व ही संभावित लागत ज्ञात करने की प्रक्रिया को लागत आकलन या कॉस्ट एस्टिमेटिंग कहते हैं। अर्थात प्रोडक्ट को बनाने से पहले उसकी कीमत को निकालना कॉस्ट एस्टिमेटिंग कहलाता है, जबकि कॉस्टिंग प्रोडक्ट को बनाने के बाद उसकी एक्चुअल कॉस्ट निकालना होता है। कॉस्ट एस्टिमेट टिंग पर्पज अर्थात लागत आकलन का लक्ष्य या उद्देश्य क्या है। जो कॉस्ट एस्टिमेटिंग को करने का जो लक्ष्य है या उद्देश्य है, वह उत्पादन प्रक्रियाओं की लागत निकालना व उत्पाद की कीमत तय करने में सहायता करना है, या उनको प्रक्रियाओं को और लागत को निकालने में सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट एस्टिमेटिंग फीचर्स अर्थात कॉस्ट एस्टिमेटिंग की विशेषताएं क्या क्या हैं। यह इंजीनियरिंग डिजाइन की और प्रोडक्शन की बहुत ही महत्वपूर्ण एक्टिविटी या प्रक्रिया होती है। यह उत्पाद की लागत को फोरकास्ट या भविष्यवाणी करता है। भविष्यवाणी का मतलब उसमें पहले से कैलकुलेशन करते हैं, उसको बनाने से पहले संभावित लागत बताता है कॉस्ट एस्टिमेटिंग। कॉस्ट एस्टिमेटिंग और प्रोसेस प्लानिंग अर्थात प्रक्रियाओं के आयोजन जो है करना, पहले से प्लानिंग करना, यह मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की बहुत ही महत्वपूर्ण एक्टिविटीज है, तो ये इसकी एक विशेषता है। कॉस्ट एस्टिमेटिंग में इंजीनियरिंग एक्सपेंडिचर, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर अर्थात उसको बनाने में वगैरह में क्या खर्चा आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो प्रशासनिक खर्चे क्या होंगे, उन सब को शामिल करते हुए यह निकाली जाती है। अतः ये इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि ये इंजीनियरिंग एडमिनिस्ट्रेशन इन सब के एक्सपेंडिचर खर्चों को अपने में शामिल करता है। इसको निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक होता है, तो इसकी एक विशेषता है कि ये इसमें तकनीकी ज्ञान का समावेश होता है। इसके बाद कॉस्ट एस्टिमेटिंग इम्पॉर्टेंस अर्थात लागत आकलन का जो महत्व क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है। सही, बिल्कुल सही एस्टिमेट ही लीडर्स को अर्थात जो मैनेजमेंट के जो डिसीजन लेने वाले लोग हैं उनको सही निर्णय लेने में हेल्प करता है। कौन सी प्रक्रियाओं के लिए? मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सेलिंग पॉलिसीज यानी उसके उत्पादन के लिए, उसके विक्रय की नीतियां बनाने के लिए। जो टॉप लीडर्स हैं या मैनेजमेंट्स के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनको या निर्णय लेने में सहायता करता है। अब अगर एक्यूरेट एस्टिमेटिंग नहीं हो, सही अगर आकलन नहीं हो, तो केस वन में, पहले केस में, इफ जॉब इज ओवर एस्टिमेटेड, अगर जो उत्पाद है या जॉब है उसकी लागत को ज़्यादा एस्टिमेट कर दिया, ज़्यादा उसकी आकलन, ज़्यादा कैलकुलेशन कर दी, तो क्या होगा? द फर्म विल नॉट बी एबल टू कम्पीट विद इट्स कम्पिटिटर्स अर्थात जो फर्म है वह अपने प्रतिद्वंदियों से स्पर्धा नहीं कर पाएगी। ऐसा उत्पाद की अगर रेट ज़्यादा होगी तो विक्रय मूल्य भी ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो मार्केट में जो कंपिटिटर्स हैं इस
प्रतिस्पर्धी हैं उनकी, क्योंकि कम कीमत पर रेट रेट पे मिल रहा है उत्पाद, तो वो ज़्यादा बिकेगा, तो उससे इसलिए आपको सेलिंग पॉलिसी वगैरह सब गलत हो जाएंगे उस आधार पर। दूसरा केस, इफ़ द जॉब इज अंडर एस्टिमेटेड, अगर जॉब या उत्पाद को कम उसकी गणना कर ली, उसके लागत की गणना कम कर ली गई, तो उस सिचुएशन या कंडीशन में क्या होगा, द फर्म विल फेस ह्यूज फाइनेंशियल लॉस, अर्थात जो फर्म है उसको बड़ा आर्थिक नुकसान होगा, क्योंकि वह कम कीमत पे उसने गणना की है, तो उस हिसाब से मशीनें वगैरह सब वो प्लानिंग की जाएगी और वो जॉब सस्ता बिकेगा तो लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉस्ट एस्टिमेटिंग एम्स, अर्थात लागत आकलन के उद्देश्य या लक्ष्य क्या हैं। तो पहला लक्ष्य इसका है कि जो वो उत्पाद है उसके विक्रय मूल्य को एस्टेब्लिश करना या उसको निर्धारित करने में इसका मुख्य उद्देश्य है, ताकि जो कंपनी है वह अपने जो रीजनेबल प्रॉफिट है, लाभ जो है, उसके प्रति आश्वस्त हो सके कि उसको इतना तो लाभ होगा ही, तो यह इसका बड़ा उद्देश्य है निकालने का। दूसरा जो इसका एम है, जो प्रोसेस जो हैं, प्रक्रियाएं हैं, उनमें से जो सर्वाधिक किफ़ायती जो प्रोसेस हैं उनको डिटरमाइन करना या उनकी को निकालना, उनकी गणना करना कि कौन सा प्रोसेस फर्म के लिए मोस्ट इकोनॉमिकल रहेगा, उसको निर्धारित करना, निश्चित करना, यह इसका एक दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है इसका टू मेक बाय डिसीजंस, अर्थात किसी भी उत्पाद को बनाने से पहले अगर उसका एस्टिमेटिंग कर दिया जाए तो उसके आधार पे यह निर्णय लेने में ये सहायता करता है कि उस उत्पाद को बनाना फ़ायदेमंद रहेगा या उसको खरीदना फ़ायदेमंद रहेगा, तो ये मेक और बाय डिसीजन लेने में सहायता करता है। टू इवेल्युएट द अल्टरनेट डिजाइंस, किसी भी उत्पाद के विभिन्न जो डिज़ाइन होते हैं उनकी गणना करने के लिए कि कौन सा डिज़ाइन उपयुक्त रहेगा, उसको निकालना, उसको निर्धारित करने में काम आता है इसका। एक उद्देश्य इसका है टू प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट, यानी उत्पादन के लिए जो बजट है कितनी राशि रखनी चाहिए उसको प्रिपेयर करने के लिए काम में यह आता है। टू इनिशिएट द कॉस्ट रिडक्शन इन एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज, जो वर्तमान में एग्जिस्टिंग है फैसिलिटीज, अर्थात जो मशीनें वगैरह हैं, जो वहाँ पे सहायता के लिए जो भी चीज़ें लगा रखी हैं, उनकी कॉस्ट रिडक्शन, उनकी लागत को कम करने के लिए यह विचार देता है, शुरुआत करता है, ताकि उसको कम करने के लिए कदम उठाए जा सके। एक अन्य उद्देश्य इसका है टू फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी उत्पाद की जो विक्रय मूल्य है उसको निर्धारित करने का भी में सहायता करता है, एक बड़ा उद्देश्य है इसका। टू हेल्प द कॉन्ट्रैक्टर्स टू सबमिट द एक्यूरेट टेंडर्स, जो ठेकेदार हैं उनको सही निविदा भरने के लिए यह हेल्प करता है, सहायता करता है, क्योंकि जो ठेकेदार हैं वह कार्य शुरू करने से पहले अपनी तरफ से कोटेशन भरते हैं और टेंडर देते हैं, उस टेंडर में वो अनुमानित लागत को देते हैं कि हम इस लागत में इस काम को कर सकते हैं, तो अगर कॉस्ट एस्टिमेटिंग सही होगी तो उनको उनका जो टेंडर भरा हुआ है वो सही रहेगा, अदरवाइज उन्होंने जो मैंने पिछली बार दो केसेस बोले थे, केस वन और केस टू, के पहले केस में अगर उसने जॉब ओवर एस्टिमेट कर दिया तो उसको कंपिटिटर्स को जो उससे उनसे कम रेट पे सही एस्टिमेशन करके जो कम रेट भरेगा उसको टेंडर मिल जाएगा, और अगर आपने कम एस्टिमेट लगाया तो कॉन्ट्रैक्टर को वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा और उसको घाटा हो जाएगा, तो इसलिए सही एस्टिमेटिंग सहायता करती है उनको सही टेंडर भरने के लिए, सही निविदा भरने के लिए। और अगला पॉइंट है टू फोरकास्ट द प्रोग्रेस ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, अर्थात उत्पादन की जो उन प्रगति है और लागत है उसकी
पहले से भविष्यवाणी करने के लिए कि प्रोडक्शन कितने टाइम में हो जाएगा, क्योंकि सारी जो प्रोसेस है उनका एनालिसिस पहले से किया जाता है, कितना टाइम लगेगा, सारी चीज़ें उन्हीं से के आधार पर गणना करते हैं कॉस्ट एस्टिमेटिंग में, और साथ में लागत की भविष्यवाणी भी पहले हो जाती है। तो इसका एक बड़ा उद्देश्य है कि प्रोडक्शन का प्रोग्रेस और कॉस्ट को फोरकास्ट करना। और अंतिम है इसमें टू सेट द वेरियस स्टैंडर्ड्स, जो विभिन्न मानक हैं उनको निर्धारित करने का एक बड़ा उद्देश्य रहता है इसका। अब इसी में नेक्स्ट है कॉस्ट एस्टिमेटिंग प्रोसीजर, अर्थात कॉस्ट एस्टिमेटिंग करने के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं या इनमें क्या इनका प्रोसीजर है। स्टेप वन, जो सबसे पहले जो पहला स्टेप है वह है स्टडी द कॉस्ट एस्टिमेशन रिक्वायर्स थोरोली एंड अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, अर्थात जो एस्टिमेशन के लिए जो रिक्वेस्ट मिली है उसका पूरी तरीके से उसको पढ़ना और उसको अच्छे से समझना कि किस चीज़ कौन सा उत्पाद बनाना है, किसका कॉस्ट एस्टिमेशन करना है, वो सारी चीज़ें उसको अच्छे से समझना और पढ़ना। दूसरा प्रक्रम इसमें है प्रक्रिया स्टेप टू, प्रोडक्ट या उत्पाद को पूरी तरीके से उसका अन्वेषण करना और उस प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशंस हैं और उसकी जो आवश्यकताएं हैं उनको डिसाइड करना, उनको निश्चित करना कि उत्पाद के क्या स्पेसिफिकेशंस रहेंगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वगैरह, और उसके लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक पड़ेंगी वो सब पहले से डिसाइड करना। तो ये उसको करने के दूसरा स्टेप है। इसके बाद इसी प्रोसीजर के क्रम में तीसरा स्टेप जो है वह है कि प्रोडक्ट के जो पार्ट्स हैं, अर्थात उत्पाद के जो विभिन्न पार्ट्स हैं उनकी लिस्ट बनाना कि कौन कौन से पार्ट रहेंगे और उनमें कौन कौन सा मटेरियल लगेगा उसकी लिस्ट बनाना, बिल ऑफ मटेरियल्स बनाना, यानी बिल प्रोडक्ट के विभिन्न पार्टों को बनाने के लिए, पार्ट्स को बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल की कितनी कितनी आवश्यकता रहेगी, वो सारी चीज़ें इसको तैयार करना। स्टेप फोर, मेक और बाई डिसीजन लेना। अब उसके आधार पे जो स्टेप थ्री है उसके आधार पे मेक या बाई डिसीजन लेना कि उसको बनाना फायदेमंद है या उसको खरीदना फायदेमंद है, और फिर उस आधार पे सारे जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनकी लिस्ट बनाना के अलग परचेज कौन कौन से करने हैं उनकी एक अलग लिस्ट बना दें, और जो मैन्युफैक्चर या जिनको निर्माण करना है उनकी अलग लिस्ट बनाते हैं, अर्थात परचेज करने वाले पार्ट्स की एक अलग से लिस्ट और एक मैन्युफैक्चर जिनको करना है उनकी एक अलग से लिस्ट बनाई जाती है। ये चौथा पद है इसका। स्टेप फाइव, पांचवा जो प्रक्रिया में रहेगी, जो प्लांट में जो पार्ट्स बनाने हैं उनकी मेटेरियल कॉस्ट यानी जो सामग्री पे लागत आएगी उसका एस्टीमेट करना, उसकी आकलन करना, ये पांचवा है स्टेप। छठा इससे उसी पार्ट को अगर बाहर से खरीदा जाए तो उसकी क्या लागत रहेगी उसको डिटरमाइन करना, उसको ज्ञात करना। स्टेप सेवन, प्लांट के अंदर उस पार्ट को बनाने के लिए कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या उत्पादन प्रक्रम रहेंगे उनकी प्लानिंग करना, क्योंकि सातवें स्टेप छठे में हमने परचेज किया है उसको हमने निकाल लिया है कि पार्ट कौन से कितनी कॉस्ट का होगा, तो उससे कम कॉस्ट में बनाने के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम प्लान करेंगे कि उससे कम कीमत पे हमारा ये प्रोसेस संपन्न हो जाए। तो सातवें स्टेप में हमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को प्लान करना है। आठवां स्टेप, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्लान जो बनाया है उसके अंदर जो विभिन्न ऑपरेशंस हैं प्रक्रम हैं उनमें
लगने वाले मशीनिंग टाइम को यानी मशीनन समय को एस्टिमेट करना कि किस प्रोसेस में कितना समय लगेगा उसकी गणना करना, ये आठवां स्टेप है। नवा स्टेप, उन प्रक्रमों को करने के लिए जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है यानी सीधा जो लेबर या श्रमिक लागत लगेगी, उन जो श्रमिक लेबर काम करेगा उनको जो वेजेज यानी उनकी जो तनख्वाह उनके पैसे देने होंगे उसको डिटरमाइन करना, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को डिटरमाइन करना, उसकी कैलकुलेशन करना। स्टेप 10, दसवें पद में प्राइम कॉस्ट को की गणना करना। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी डायरेक्ट खर्चे हुए हैं, डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट यानी जो डायरेक्ट मेटेरियल जो लगा है उस उत्पाद को बनाने में उसकी लागत, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अर्थात जो श्रमिक सीधे तौर पे उसको बनाने में एंगेज हुआ है, बनाने में लगा है उस पार्ट को, उन तीनों की कीमत। अर्थात तीनों कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इन तीनों को अगर जोड़ दें तो प्राइम कॉस्ट मिलती है, तो उस प्राइम कॉस्ट की गणना करना जो कि नीचे फॉर्मूले में दिखा रखा है मैंने इक्वेशन में। प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। फिर स्टेप 11, इसमें जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, जो फैक्ट्री के अंदर अतिरिक्त ऊपरी खर्चे हुए हैं उनकी गणना करना, जिसमें क्या क्या शामिल है? सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स जो भी उसके अंदर हुए हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन यानी उत्पादन के दौरान जो भी इनडायरेक्ट खर्चे हुए हैं उन फैक्ट्री के अंदर, उन सब को शामिल किया जाता है। अब जैसे इनडायरेक्ट मेटल कॉस्ट, इसमें जो इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट नहीं है मेटल कॉस्ट वो उसका खर्चा, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो सीधे तौर पर लेबर नहीं लगे हैं उनका खर्चा, डेप्रिसिएशन यानी जो मूल्यह्रास जो मशीनें वगैरह हैं उनका मूल्यह्रास, एंड एक्सपेंडिचर और मेंटेनेंस ऑफ द प्लांट, ये प्लांट को मेंटेन रखने के लिए जो खर्चे किए गए हैं वह मशीनरी पावर एट्सेट्रा, इन सब को जो मेंटेनेंस खर्चे हुए हैं वो सारे खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड्स में आते हैं। अर्थात फैक्ट्री के अंदर जो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट जो एक्सपेंसेज हुए थे उनके अलावा जो खर्चे आए हुए हैं वो सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स में आते हैं, उनकी गणना करना 11वें स्टेप में। स्टेप 12, एस्टिमेट द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, अर्थात जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हुए हैं उनकी गणना करना, जो ऑफिस वगैरह में होता है जो। स्टेप 13, जो विक्रय करने में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस और वितरण करने में यानी जो सेल्स डिपार्टमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन उसका करने में जो भी खर्चे हो रहे हैं उनकी गणना करना। अब इसमें क्या क्या शामिल है? पैकिंग एंड डिलीवरी चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट चार्जेस एक्सेट्रा, यानी ये जो खर्चे हैं वो सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के हेड में हो रहा, गणना होती है इनकी। स्टेप 14, नाउ कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, अब जो कुल लागत है उस प्रोडक्ट की उसकी गणना करना, वह कैसे होती है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू यानी टोटल कॉस्ट निकालने के लिए प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, अर्थात जो भी खर्चे हुए हैं अभी तक, जो पिछले 13 पद तक जो भी खर्चे हमने बताए हैं उन सब का अगर योग कर दिया जाए तो उस उत्पाद की टोटल कॉस्ट निकल जाती है। तो ये 14 पद में ये टोटल कॉस्ट निकालना। स्टेप 15, 15वें स्टेप में क्या होता है? अब जब टोटल कॉस्ट आ गई तो उसके बाद उस उत्पाद पे लाभ को डिसाइड करना, निश्चित करना कि हमें कितना लाभ उसमें कमाना है, उस लाभ को टोटल कॉस्ट में जोड़कर जो विक्रय मूल्य है उस उत्पाद का उसको निर्धारित करना, ये 15वें पद में होता है। अर्थात स्टेप 15 में सेलिंग प्राइस को हम डिसाइड करते हैं, सेलिंग प्राइस में को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट में अगर प्रॉफिट जोड़ दें तो वो सेलिंग प्राइस के बराबर होता है।
ये जैसा इसमें इक्वेशन में दिखाया है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। स्टेप 16, 16वें पद में फाइनली एस्टिमेट द टाइम ऑफ डिलीवरी इन कंसल्टेशन विद द प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट। जब सेलिंग प्राइस डिसाइड हो गई तो उसके बाद जो डिलीवरी करनी है हमें, वस्तु का जो वितरण करना है, उसका समय निकालना कि वो कितने समय में हम किसी को भेज पाएंगे, अर्थात जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और सेल्स डिपार्टमेंट है उनसे राय लेके उसके टाइम ऑफ डिलीवरी का एस्टिमेट करना कि वह फैक्ट्री से सेल्स सेंटर्स तक या दुकानों तक कितने समय में पहुंच जाएगा, इसकी गणना करना। ये 16वां पद है। धन्यवाद।